भारतीय नौसेना का 24 घंटे में एक और सफल ऑपरेशन, समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाए गए 19 पाकिस्तानी। सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी को बचाया है। भारतीय रक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने कोची के तट से लगभग 800 मील की दूर पर समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी को बचाया गया है। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। सर्वदलीय बैठक में बोले संसदीय कार्य मंत्री, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि वो संसद के आगामी बजट सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा बुलाई गई पारंपरिक सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बातचीत को बहुत सौहार्दपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार संक्षिप्त सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। VIP मूवमेंट के चलते दिल्ली के कई रास्तों पर लंबा जाम, ईटो मेट्रो स्टेशन भी बंद। नई दिल्ली में लगातार दूसरे दिन VIP मूवमेंट के कारण कई मार्ग बंद होने चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मंगलवार को राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर जाने वाले मार्ग पर VIP मूवमेंट के कारण विकास मार्ग, रिंग रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, कश्मीरी गेट सहित कई रास्तों पर लंबा जाम है। जाम की वजह से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कड़ाके ठंड के बीच बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दिया ताज़ा अपडेट। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच मंगलवार को भी दिल्ली के मौसम में ठिठुरन भरी ठंड बरकरार है। सुबह का तापमान एक दिन पहले की तुलना में बढ़कर सामान्य स्तर पर आ गया है, लेकिन घने कोहरे के कारण दृश्यता इस सीजन की सबसे कम बनी हुई है।